कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जनपद संभल में अधिकारियों ने कमर कस ली है। व्यवस्थाओं का प्रतिदिन बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन जनपद में कोई भी चूक नहीं होने देना चाहता, जिसको लेकर सोमवार को जनपद के नामित नोडल अधिकारी मुरादाबाद आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह तथा पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुरादाबाद अमित चंद्रा द्वारा नरौली सीएससी में बने आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। विदित हो कि यहाँ के चिकित्सीय स्टाफ द्वारा कुछ दिनों पहले यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराया गया था। नोडल अधिकारियों ने चंदौसी तहसील परिसर में बनी सामूहिक रसोई का निरीक्षण कर वहाँ काम कर रहे व्यक्तियों से सामाजिक दूरी बनाने के साथ ही साफ सफाई के साथ कार्य करने की बात कही। वहीं तहसील परिसर में बने कंट्रोल रूम के शिकायत रजिस्टर में से कुछ लोगों के फ़ोन नंबर लेकर उनकी शिकायत की वास्तविकता जानने के लिए कॉल भी की, जो कि संतोषजनक रही। नोडल अधिकारियों द्वारा चंदौसी स्थित घटलेश्वर गेट पर बने शेल्टर हाउस का भी निरीक्षण किया गया। वहाँ की स्थिति जानने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके पश्चात नोडल अधिकारियों द्वारा मंडी परिसर का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर व्यापारियों से साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग तथा गोला बनाकर सामान देने की बात कही। तत्पश्चात थाना बनियाठेड़ क्षेत्र स्थित राधा गोविंद कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न आवश्यक जानकारियाँ प्रदान की। इस दौरान उप जिलाधिकारी चंदौसी महेश प्रसाद दीक्षित, पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह, तहसीलदार चंदौसी मनोज कुमार सिंह आदि स्टाफ मौजूद रहा। शिकायत आ रही है पंडित सेंटर में जो सुविधाएं दिखनी अपर्याप्त मानी जा रही हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, इसको लेकर के कोई संज्ञान में लिया गया है आपके द्वारा? किस चीज़ की समस्या आ रही है? सर, क्वारंटाइन सेंटर में कुछ लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त हैं, क्या वो आपने संज्ञान लिया है? नहीं, इसका संज्ञान लिया गया है और कई जगहों पर, कुछ जगहों पर पंखे इत्यादि की समस्या थी और कुछ जगहों पर भोजन की भी समस्या है, तो इसका संज्ञान लेके जिला प्रशासन के माध्यम से इसका निस्तारण कराया जा रहा है। सर, ये यहाँ पर अभी शिकायत सामने ही आ रही है, यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज हैं वो कुछ फीस के द्वारा मैसेज कर रहे हैं इस तरीके के, और कुछ सिलेबस भी चेंज किया है, जिसको लेकर जो पेरेंट्स हैं काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने मेल भी किए हैं सर यहाँ को मिनिस्ट्री को। देखिए, इसके संबंध में कई बार शासन स्तर से और जिला प्रशासन स्तर से निर्देशित किया गया कि फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इस लॉकडाउन पीरियड में, इसलिए इसके संबंध में किसी अभिभावक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कोई संबंध इसमें सर एडवाइजरी जारी की जा रही है इसके लिए? इसके संबंध में तो पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए हैं, अगर किसी अभिभावक को समस्या है तो प्रशासन से संपर्क करके स्पेसिफिक अपनी शिकायत नोट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।